यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें नए साल को लेके, वो कितने एक्साइटेड होते हैं? स्टूडेंट्स एक्चुअली अगर बात की जाए तो अभी कल भी मैंने एक सेशन किया, न्यू ईयर के हवाले से ही था, ठीक है। तो मैं आजकल जिस चीज़ पे काम कर रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इन स्टूडेंट्स को स्पेसिफिकली ये पता चल जाए कि इनका दिमाग कैसे काम करता है, ठीक है। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, किसी भी प्रोफेशन में चल जाएँ, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, किसी भी प्रोफेशन से जिनका ताल्लुक है, 17-16 ईयर्स की एज में उन पे जो है ना वो प्रोफेशन इम्पोज कर दिया जाता है, मोस्टली हमारी सोसाइटी में, आपको सही पता है ऐसा होता है, सही ठीक है। तो अब जब वो उन पे इम्पोज कर दिया जाता है, अब उनकी थिंकिंग भी उसी लिहाज से बिल्ड होना शुरू हो जाती है कि सही अच्छा, मुझे बताया गया कि मेरा कज़न एक डॉक्टर है, उसकी इतनी अच्छी इनकम है, उसकी इतनी अच्छी सैलरी है, मैंने भी डॉक्टर बनना है, तो उसने अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ये तरीका चूज़ किया, तो मैं भी अभी यही तरीका अपनाऊंगा, ठीक सही है। तो उनकी मेंटेलिटी बेसिकली ऐसे काम कर नहीं रही होती जिस तरह से करनी चाहिए होती है, सही वैसे कर रही होती है जैसे एक मीडियोकर की होती है, जैसे एक कॉपियर की होती है, वो कॉपी कर रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। तो मेरा स्टूडेंट्स से ये कहना है कि वो अपने दिल की सुने। देखें, दो चीज़ें स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हैं, एक उनका करियर और दूसरी मैरिज, ठीक है। सही मैरिज पे मैं बात नहीं करूंगा, करियर पे बात करूंगा, स्टूडेंट्स के लिए सही बहुत सही बड़ी बड़ा इंपॉर्टेंट फेज होता है उनकी लाइफ का। तो उसके लिए तीन चीज़ें हैं, पास्ट है, प्रेजेंट है और फ्यूचर है, सही ठीक है। अब पास्ट जो था वो तो गुजर चुका है, ठीक है, उसमें ना आप जाके वापस रह सकते ना हैं, उसमें कुछ तब्दीली ला हाँ, सकते ना हैं। उसमें कुछ तब्दीली ला सकते हैं। जो बदलने के लिए आपके पास है वो आपका प्रेजेंट है, ठीक सही है। और जो फ्यूचर है वो नियर फ्यूचर है, उसका आपको भी पता नहीं है। सही प्रेजेंट जो आपके पास मौजूद है उसको आप मोल्ड करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है तो अगर आपके ऊपर कोई जो शोभा है जिस पे आप काम कर रहे हो, आप एज अ डॉक्टर हो, आप एज अ इंजीनियर हो, स्टडी कर रहे हो, तो चाहे आप इम्पोज किया गया है, चाहे आपने खुद चूज़ किया है, आप उस पर डटे रहो, अच्छा अब उस पर रिसर्च करो, ठीक है। सही मतलब कि अगर एक बच्चा एक लॉयर बनना चाह रहा है तो उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉ की बुक स्टडी करे, ठीक है अगर एक बच्चा इंजीनियर बनना चाह रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियरिंग की बुक स्टडी करे, सही। अपने ताकि निसाब के अलावा भी आप जो है अपनी जो भी इंटरेस्ट है वो बस उसी करियर को लेकर करें, और उसी में आप जो है वो ज़्यादा रिसर्च करें, जी इससे आप एक्सपर्ट बनेंगे। बिल्कुल सही बिल्कुल, सही उससे ये होगा कि जितने भी फ्लॉज होंगे वो उनके हाँ क्लियर होते जाएंगे, ठीक ठीक है है। और एज फॉर द मैटर ऑफ फैक्ट, जब वो एक स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे सवालात के जवाब होंगे, ठीक है ठीक है। फिर उसके पास बाद एक प्रोसेस है। स्टूडेंट्स मोस्टली ये समझते हैं कि अब अगर यूनिवर्सिटी लाइफ को देखा जाए, मैं यूथ की बात करूंगा क्योंकि मैं स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ में मोस्टली होता है कि हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक सही है। तो स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार ये 3 सब्जेक्ट्स तो हमारी फील्ड से रिलेटेड हैं, ये 2 पता नहीं क्यों हमें पढ़ाए जाते हैं, हाँ ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स कैसे पढ़े जाएँ? तो उसके सही लिए मैंने एक थ्योरी डिज़ाइन की है, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। उसका मैंने नाम रखा है पेन प्रोसेस थ्योरी। पेन प्रोसेस थ्योरी। अच्छा ये पेन प्रोसेस थ्योरी क्या है ये हम आपसे जानेंगे पीपीटी, जी लेकिन जी उससे पहले मैं डॉक्टर साहब की जानिब भी बढ़ूंगी।